तो डेक्कन क्रॉनिकल 21 फरवरी 2020। न्यूज क्या है मालूम है? अमित शाह जी की खास वजह हैदराबाद आने की फिलवकत यह है, उन्होंने मुसलमानों को इत्मीनान दिलाना चाह रहे हैं। कई मुसलमानों के नाम बता के जो बीजेपी में है और CAA के खिलाफ नहीं है। फ्रंट पेज की न्यूज है, डेक्कन क्रॉनिकल 21 फरवरी 2020। क्या न्यूज है? उन्होंने उन मुसलमानों के नाम बताने को आ रहे हैं खासतौर पर खुल के, जो बीजेपी के साथ है और CAA के खिलाफ नहीं है। मेरी उनसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, उन दलालों के भी नाम बोलो जो दिक्के नहीं है आपके साथ मगर आपका पूरा साथ दे रहे हैं। वो दलालों के भी नाम चाहिए हमारे को, ताकि हमको पता चले कि वो डगले दलाल और सांप हमारे आस्तीन के कौन कौन है। जो आप लोगों के साथ है हमारे में दिक्के नहीं आ रहे। मगर इसके अलावा गिरिराज सिंह जी बोले, उस वक्त अगर पूरे मुसलमानों को पाकिस्तान को भेज देते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो ये सब मौके क्यों बन रहे? हमारे अपने कुछ लोग हाथों से दिए सो मौके हैं। और आज प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट के बारे में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बयान चल रहे हैं कि हमारा हक है। अगर एक इंच हमारे प्राइम मिनिस्टर पीछे नहीं हटेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हम गोली खा जाएंगे। नहीं खाता भाई गोली, जबरदस्ती को क्यों खाऊंगा? दिमाग बना रहे हैं क्या? उन लोगों का भी दिमाग बना रहे हैं कि गोलियां चलाओ, मुसलमानों का दिमाग बना रहे हैं कि तुम ना जाके मरो। क्यों खाऊं भाई मैं गोली? मैं आप लोगों को एक मशवरा देता हूं, हमारे में जज्बा है प्रोटेस्ट करने का, हम चाह रहे हैं प्रोटेस्ट करना। एक तीर दो निशान, क्या है मालूम है? प्रोटेस्ट जरूर करो, अमन वाला प्रोटेस्ट करो। हमारे जो रहबर वोट मांगते ना खटका मार के, इनके घरों को घेर लो प्रोटेस्ट में और बोलो कि जब आप वोट मांगे और हम आपको वोट दिए, ये डॉक्यूमेंट्स की हमारी जिम्मेदारी पूरी करना आपका काम है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके एरिया का जो भी मुस्लिम गैर मुस्लिम है, जिसके पास ये कानूनी कमियां है, उसकी मदद करके आप उसको पूरी तरीके से हेल्प करना। इसी के लिए आप हमारे कायद बनाए गए, आपको वोट इसलिए डाले हम। समझ में आया? रोडों पे जाके करने के बजाय इनके घरों को घेरो, इनको समझाओ हमारी तकलीफ है ये। कल आप लोगों पे बला आएंगी तो पूरे खानदान को लेके यूके भाग जाएंगे, यूएसए को भाग जाएंगे, यहां का गरीब मर जाएगा भाई। आप लोग तो पूरे चीजा तैयार रख लेते अपने पास, फ्लाइट के टिकट भी बुक होंगे बस के। मरेगा कौन? आम आदमी मरेगा, इतना ही ना। और लोगों के जहन में देखो, मेरा एक नजरिया है, जो लूट के खाया ये सब करा ना, अल्लाह को जवाब दे लेता। उस मसले में कभी बीच में नहीं आना है, वो उसका जाती अल्लाह को जवाब देता है। लेकिन अब कौम की जान और मौत पे बनी हुई है, अभी भी कौम से हमदर्दी नहीं होंगी? अभी भी नहीं होंगी ये हालात में, जबकि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें? आप रास्ता नहीं बताएंगे उन लोगों को, समझ रहे? 14 डॉक्यूमेंट जो बताया, अब फिल वक्त आपके NPR, NRC और CAA के मुतालिक जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है आप लोग याद रखना, वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। ये सबसे अहम डॉक्यूमेंट है आपका। कौन सा बर्थ सर्टिफिकेट? का जो इंडिया का कानून है वो ये है